जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गुड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज की लेक्चर हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान निश्चित काल। तो वर्तमान निश्चित काल कहेंगे किसको? वर्तमान निश्चित काल होता क्या है, हिंदी वाले वाक्य में पहचानेंगे कैसे, उसके क्या रूल है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर होगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे किसको? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल में कोई काम निश्चित रूप से ख़त्म अभी अभी हुआ है। क्या कहा? वर्तमान काल में कोई काम निश्चित रूप से ख़त्म अभी अभी हुआ है। जैसे एग्जांपल में मैं खा चुका हूँ, मैंने ताजमहल देखा है, वह दिल्ली से आया है, यानी वो आया है, अभी अभी आया है, उसने ताजमहल अभी अभी देखा है, उसने खाना अभी अभी खाया है। ठीक है, सेंटेंस से लगता है कि वो काम अभी अभी हुआ है। और हिंदी वाले वाक्य में कैसे पहचाने? अगर कोई आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य दे दे और आपसे कहें कि अगर इसे पहचाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, सबसे ईजी है किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के बाद, चुका, चुकी, चुके, या ये ई ए के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, यानी वर्तमान निश्चित काल कहेंगे। तो वर्तमान निश्चित काल पहचान में आ गई, तो उसे मैं लिख देता हूँ। आई होप कि आप कॉपी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखने से क्या होता है, वो चीज़ देखने से आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपकी माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहचान है कि कोई काम वर्तमान काल में सॉरी निश्चित रूप से क्यों? निश्चित रूप से मतलब वो काम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, परफेक्ट तरह से। ठीक है, निश्चित रूप से ख़त्म अभी अभी हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिक पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब हिंदी वाले वाक्य में या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के बाद चुका चुकी चुके या फिर या ई ए ए ए ई के बाद हे हूँ हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, कोई काम वर्तमान काल में निश्चित रूप से खत्म अभी अभी हुआ है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के बाद, चुका चुकी चुके के बाद, या ये चुका चुकी चुके या ये के बाद हे हूँ वो लगा रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, यानी वर्तमान निश्चित काल कहेंगे। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, एग्जांपल में राम आम खा चुका है। ठीक है, राम किताब पढ़ चुका है। ठीक है, मैंने आम खाया है, इसके अंत में देखिए या फिर खा चुका, जरूरी नहीं कि चुका ही हो। ठीक है, ये इसको और एक तरीका से लिखा जा सकता है, राम आम खाया है। ठीक है, जैसे मैं गया गया हूँ, इसमें दो बार गया, यानी एक गया वर्ब है, एक गया आपकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसकी पहचान क्या है तो जान लिया हमने। अब रूल क्या होती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, रूल क्या है वो मैं आज डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो चलिए
तो रूल है कुछ नहीं, रूल बेसिक से रूल है, ध्यान से देखिए। रूल बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, फिर भी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब थ्री मैंने आपको कही थी कि बुक से देख ले, वर्ब थ्री बिना वर्ब के यानी टेंस पढ़ना मुश्किल होगी। हैव हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिस तरह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इज एम आर का यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए हैव हैज है। अब हैव कब यूज करेंगे, हैज कब यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे, किसके साथ हैज यूज करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर ले, ये सिंपल सा फंडा है। तो देखिए जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर पे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, एट या फिर कोई नाम यानी एनी नेम, ठीक है, इसके साथ प्लूरल में दे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आई, यू, दे, यू, वी के साथ हैव यूज करेंगे, ठीक है। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करेंगे, क्लियर। आई, वी, यू, यू, दे के साथ हैव यूज करेंगे, और ही, सी, इट या किसी भी नाम रहे तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। तो चलिए जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, समझ में आ गई। चलिए आज मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ, यानी सिंपल सा सेंटेंस। उसके बाद एक और लेक्चर में बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आज अफर्मेटिव सेंटेंस पर डिस्कस करूंगा। तो एक एग्जांपल, जैसे रूल मैंने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है बेसिक सी, इसे ध्यान में रखिए। इसको मैं बार बार रिपीट करूँगा, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, राम आम खा चुका है। तो देखिए राम आम खा चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के क्या रूल है कि उसके लास्ट में चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूँ, हो लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहचान में आ गई, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है कि रूल क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो रूल आपको याद है कि रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले देखते कि आपको सब्जेक्ट बोल रहा है, तो सब्जेक्ट हो गई ये राम, ठीक है, फिर बोल रहा हैव हैज का यूज करना है, फिर वी थ्री का यूज करना है, फिर ओ का ऑब्जेक्ट। चलिए ये सब छोड़ते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सब्जेक्ट है राम। अब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे। तो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के साथ यानी ही, सी, इट या किसी भी नाम, कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं। तो राम के साथ क्या लगाएंगे, चूंकि राम एक नाम है ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, राम हैज। अब बोल रहा है कि वर्ब थ्री, तो वर्ब कैसे जानेंगे, वर्ब हो गई ये, ठीक है, वर्ब खाना। तो खाना कब यानी ये वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसलिए खा लिखा हुआ है, राम आम खा चुका है, यानी राम आम खा चुका है, ठीक है। तो खाना क्या होता है, ईट, वर्ब थ्री होती है उसकी ईटन, राम हैज ईटन। अब हो गई आपकी ऑब्जेक्ट बोल रही है, तो ये हो गई ऑब्जेक्ट आम, यानी राम हैज ईटन मैंगो, क्लियर।
सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस भी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में बोला राम आम खा चुका है, कैसे पहचाना आप ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस है? तो ये देखिए लास्ट में चुका के बाद है लगा हुआ है, यानी कोई भी सेंटेंस रहे उसके लास्ट में अगर चुका चुकी चुके के बाद है हूँ हो लगा रहे हैं तो उसे हम सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान में आ गई तो रूल फिर याद करना, रूल के हिसाब से आपको इंग्लिश में सेंटेंस कर देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल में है वो पटना गया है, ठीक है। देखिए वह पटना गया है, वह पटना गया है, तो देखिए पटना गया वो अभी अभी गया, निश्चित रूप से वो पटना जा चुका है, ठीक है, गया है। अब कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए है कि उसके लास्ट में यानी वर्ब के यानी क्रिया के वर्ब यानी क्रिया क्रिया के बाद या ये, तो ये गया यानी ये होता जाना, ये वर्ब थ्री रूप में लिखा हुआ है इसलिए जाना, तो ये या ये के बाद है हूँ हो लगा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो ये पहचान में आ गई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी फिर रूल क्या है वो याद करनी है, तो रूल सिंपल सा है, रूल कुछ नहीं है, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज फिर भी थ्री फिर ऑब्जेक्ट, ये रूल हो गई। अब रूल हो गई तो अब रूल के हिसाब से इसे चेंज करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट चुना है तो सब्जेक्ट हुआ हो गई, हुआ हो गई इंग्लिश ही, अब ही के साथ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे हैज, ठीक हैज ही हैज। अब बोल रही है वर्ब थ्री तो वर्ब ये हो गई, अब गया गया मतलब जाना, ठीक है, जाना गो वेंट गोन, याद है गो वेंट गोन, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज गोन टू कहाँ गया पटना, ही हैज गोन टू पटना, हो गई ट्रांसलेट। और कुछ एग्जांपल जैसे कई जगह पे या ये नहीं रहता है, चुका चुकी नहीं रहता है, बट वो होता है, ठीक है, जैसे मैंने राम को पीटा है, देखिए इसमें या ये नहीं आया है, जैसे मैं लिख देता हूँ पहले, मैंने राम को हिंदी में थोड़ी गलत हो सकती है, पीटा शायद इधर से होगी या इधर से ही, मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, मैंने राम को पीटा, चलिए देख लेता हूँ अगर कहीं दी होगी तो, इधर से होगी, सॉरी इसको पूरा मिटा ही देता हूँ, मैंने राम को पीटा है। अब देखिए यहाँ पे ना तो चुका है चुकी है चुके है ना या ये है ना ए है, देखिए यहाँ पे टा यानी अ का उच्चारण हो रहा आ आ ई, यानी अ में कुछ भी आती है उसके बाद है हूँ लगा रहे हैं, तो उस देखिए मैंने राम को पीटा उस सेंटेंस कि मैं राम को पीट चुका हूँ वो काम अभी अभी हुआ है, राम को पीटने का काम अभी अभी हुआ, तो यह पहचान में आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो रूल के हिसाब से मैंने यानी आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगाते हैव, अब कई लोग राम को भी सब्जेक्ट समझ लेते, नहीं जो सबसे पहली होती है वो अब की सब्जेक्ट होती है, ठीक है, ये अभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और ये आपकी वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये आपकी सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो आई हैव फिर वर्ब थ्री यानी पीटना का हो जाता है आपका बीट 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 बीटेन, तो आई हैव बीटेन, आई हैव बीटेन किसको बीटेन, तो राम को, आई हैव रिटेन सॉरी रिटेन बीटेन राम, आई हैव बीटेन राम, ठीक है। बहुत सारी ऐसे सेंटेंस है जैसे बुक में देख के बताता हूँ कि जैसे सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो सूर्य अस्त नहीं हुआ है ये सॉरी ये तो नेगेटिव सेंटेंस में आ गई, ये मैं आपको दूसरे क्लास में बताऊँगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में
मैंने उसे देखा है, तो इसके अंत में भी चुका चुकी या ये नहीं आते, बहुत सारे कंफ्यूज में रहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो देखिए, मैंने श्याम को देखा है, मैंने उसे देखा है, लड़के आ गए हैं और सूर्य अस्त हो गया है, राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं, कोई भी सेंटेंस आए हैं, पीटा है या फिर देखा है, ये सारी चीज़ देखा है लगा हुआ है, यानी ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गई। ठीक है, अगर यही सेंटेंस आपकी मैंने उसे देखा, तो हो जाती सिंपल पास्ट टेंस, देखा। कब देखा वो टाइम नहीं बताया गया, यहाँ पे बोल रहा है कि अभी अभी देखा, लिखा हुआ नहीं लेकिन छुपा हुआ है, अभी अभी मैंने उसे देखा, अभी अभी देखा है, वो काम पूरा हो चुका है, देखने का काम हो गया है। तो इसी के साथ आपको आई होप कि आप समझ में आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे, रूल क्या है। ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस होगी, फिर मैं अगले लेक्चर पर नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बताने का मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, जय श्री श्याम आप सभी को।